18 अमेंडमेंट में ये तमाम डिवॉल्व हुए, लेकिन 18 अमेंडमेंट में ये भी था कि डिवॉल्व सब्जेक्ट जो है ना उनके एसेट्स भी दे आप डिवॉल्व करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो डिवॉल्व किए उनके एसेट्स उसने अपने पास रखा। फर्ज करें जो लेडी हेल्थ वर्कर थे 8,000, हमने कहा इनके तनख्वाहें आप भेज दें आप, लेकिन उसने तनख्वाहें नहीं भेजी। 12,000 जो 5,000 जो है ना वो टीचर थे वो भी हमने बलूचिस्तान में इक्विप की। एक्चुअली सर इस वक्त पोजीशन ये है कि बलूचिस्तान की HEC क्यों नहीं बना, इसलिए नहीं बना कि बलूचिस्तान की किटी में इतने पैसे नहीं थे। हमने कहा HEC को कि फेडरल गवर्नमेंट को कि आप जो पैसे HEC को दे रहे हैं वो पैसे हमें भी दे दें, हम अपनी HEC फॉर्म करेंगे। अब HEC को पैसे मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है डोंट नो, लेकिन उस वक्त तमाम के तमाम पैसे जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट देता। हाँ अलबत्ता मैचिंग ग्रांट प्रोविंशियल गवर्नमेंट देते थे, कभी 7 अरब कभी 8 अरब कभी 9 अरब। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ कि इसको हमें टीचरों को तनख्वाह देनी चाहिए। इसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट के जो वो हैं वो जाके फेडरल गवर्नमेंट से बात करें कि 18वीं तरमीम में ये ज़रूर था कि ये डिवॉल्व है, बट 18वीं तरमीम में ये भी था कि आप एसेट्स भी डिवॉल्व करें ना। तो ये मैंने क्लियरिफिकेशन की कि इस वक्त गुंजाइश है फेडरल गवर्नमेंट के पास कि वो जो बलूचिस्तान के उसमें देते थे यूनिवर्सिटीज को वो वही अमाउंट जो है ना हर साल दे दें, बाकी मैचिंग ग्रांट बलूचिस्तान हुकूमत दे दें। लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेंट इशू है इसमें कम से कम हमें उनको रिलीफ देनी चाहिए। सर एसेट्स ये थे ना कि कोई 47 आर्टिकल्स जो है ना कंकरेंट लिस्ट के डिवॉल्व हुए, उनमें वहाँ इनकी जो है ना एसेट, एक तो उनकी तनख्वाहें थी, दूसरे जो है ना हर डिपार्टमेंट के अपने अपने जो है ना एसेट्स से, फर्ज करें लेबर के अपने एसेट्स हैं यहाँ पे दूसरे। तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये की कि कहते ये ले लो 47 जो कंकरेंट लिस्ट के थे, लेकिन जो बजटरी सेक्शंस था उसको डिवॉल्व नहीं किया, होना तो ये चाहिए था कि वो भी डिवॉल्व होता। डॉक्टर साहब आपके कहने का मकसद ये है कि प्लानिंग कमीशन या फाइनेंस देता है उनको उसी जो पहले दिए थे उनको देने की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।